हल्द्वानी में अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले भर से सैकड़ों व्यापारियों ने शिरकत की। इस दौरान व्यापारियों के सामने आ रही दिक्कत को लेकर सम्मेलन में व्यापक चर्चा की गई। साथ ही भविष्य में किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न होने पर उग्र आंदोलन की रणनीति भी बनाई गई। व्यापार मंडल के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि GST सहित अन्य गंभीर मसलों पर व्यापारियों को अब एकजुट होना होगा, जिससे उन्हें व्यापार करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों से दो चार न होना पड़े। वहीं कहा कि शासन प्रशासन के सामने प्रत्येक समस्याओं को रखना होगा, जिससे छोटे मोटे व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो और वो आसानी से अपनी जीविका निर्वहन कर सके। ये पहली बार ऐसा हो रहा है हल्द्वानी में कि किसी व्यापार मंडल किसी संगठन ने तमाम जितने यहाँ संगठन है सबको आमंत्रण दिया है और एक संदेश देने की कोशिश करिए कि जरूरत पड़ने पर आप एक मंच पर आइए। आप अपना जहाँ है छोटा है बड़ा है, कई वर्षों से आपने देखा होगा 50-50 साल पुराने संगठन है, लेकिन व्यापारी हित के लिए उत्तराखंड में आज तक किसी ने भी कोई काम नहीं करा है। हमारा एक प्रयास है जिसकी आवश्यकता थी पूरे उत्तराखंड में सशक्त व्यापार मंडल की, और वो प्रयास आज 20 दिनों के अंदर आप पहला प्रयास आप देख रहे हैं जिसको सारे संगठनों को अपने आमंत्रण दिल से दिया और सभी ने स्वीकार करा आने के लिए कि हाँ ठीक है, हम जब भी आवश्यकता पड़ेगी उस समय एक मंच पर आएंगे। इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया और ये संगठन ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, ये पूरे भारत में इसकी शाखाएं फैली हुई है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल जी, इसके संरक्षक डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी कश्मीर दौरे पर हैं, वो भी वहाँ पर सम्मेलन कर रहे हैं व्यापारी एकता का। और व्यापारी एकता के लिए हम दिल्ली प्रदेश में जितने भी मंत्री हमारे साथ और सांसद, जिस भी मंत्रालय में जरूरत पड़ती है हम उनको ज्ञापन दे के जैसे भी है अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। हमारा संगठन उनके साथ सदैव खड़ा है और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए भी खड़ा है कि उनको भी प्रशासन ब्यूरो केसी से उनकी बात चल रही है कि उनको एक जगह स्थापित किया जाए। ये जो आज यहाँ लगा रहे कल वहाँ लगा रहे के लिए हम सरकार से निरंतर प्रयासरत। हमने ये संस्था 4 साल से खड़ी की है, 23 प्रदेशों में हमारी चल रही है और हमने जोर देकर के व्यापारियों को लिए छोटा हो बड़ा हो उन सबके लिए संघर्ष किया है। तो उनकी जो भी समस्या है उनको हम हल करेंगे और हल करते हुए आए हैं। हमने यहाँ तक कि मंत्री हैं, लोकसभा सदस्य हैं और जो भी हमारे गणमान्य हैं उन सबके लिए हमने पत्र दिए हैं और हमारी जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं जैसे कि GST है और बहुत समस्याएं हैं जो छोटे व्यापारियों के लिए आती हैं, उन सबके लिए हमने लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे।